हे गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई आज आप अपने सामने देख रहे हो, हम खड़े हैं भाई अपने टियागो के सामने और इसके अंदर भाई ये जो टायर देख रहे हो ना, तो आज भाई इसको चेंज करा रहे हैं। इसके अंदर ना अलॉय व्हील्स वगैरह डाल रहे हैं। तो भाई पहले इसमें सोचा था कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, अलॉय व्हील्स वगैरह नहीं लगाएंगे, पर भाई इन केस भाई इसमें ज़रूरत पड़ी ही, हमने सोचा क्यों ना इसमें भी अब मॉडिफिकेशन की सीरीज़ चालू करें और साथ के साथ आपको भी दिखाएं कि भाई अगर आपके पास टियागो है तो कहाँ आपको अलॉय व्हील्स, कौन से डिज़ाइन आप लगा सकते हो, बाकी कैसी कुछ गाड़ी लगेगी। अभी इसके अंदर देख रहे हो 14 इंचेज अलॉय आ रहे हैं, ठीक है। अलॉय व्हील तो नहीं है, पर ये भाई अलॉय व्हील्स की तरह ही होते हैं जो कि व्हील कैप्स होते हैं। और आगे बात करोगे, हम इसमें डाल रहे हैं भाई 15 इंचेज। यहाँ पर देख लो भाई अभी फिटिंग वगैरह ना इसकी सारा कुछ खुल रही है। और अलॉय व्हील्स वगैरह जो हमारे भाई 15 इंची में डिज़ाइन है, वो भाई एक तो ये वाला है, हम भाई न्यू व्हील्स के ही अलॉय व्हील डाल रहे हैं क्योंकि भाई हमारे पास अनदर ऑप्शन में X2 था, तो X2 के भाई इसमें लग नहीं सकते थे क्योंकि उसमें भाई 6 नट का ऑप्शन नहीं आता 15 इंची में और बहुत कम डिज़ाइन थे। तो नियो में अच्छे खासे डिज़ाइन है, डिज़ाइन भी आपने देख लिए, गाड़ी में लगते हुए इंस्टॉल होते हुए आपको दिखाता हूँ, बाकी वीडियो के लास्ट में भी जानेंगे क्या कुछ प्राइसिंग है। ये देख रहे हो भाई अलॉय व्हील्स की आप सामने ना चॉइसेस वगैरह, और यहाँ पर देख सकते हो ये भाई है पूरा 15 इंचेस में, और 15 इंचेस में भाई ये सब डिज़ाइन छोटे लग रहे हैं। तो भाई वीडियो में बने रहो, साथ के साथ देखो कौन से अलॉय व्हील्स लगाएंगे। बाकी भाई किसी भाई को भी चाहिए तो अपने पास नियो व्हील्स के प्रॉपर स्टॉक अवेलेबल है जो कि भाई होलसेल रेट पर है, किसी को भी लेना है तो भाई बिल्कुल आके आप लेके जा सकते हो। यहाँ पर देख रहे हो तो भाई टायर की फिटिंग वगैरह हो रही है, तो 14 इंचेस में अपना 175/60R14 आता है, तो भाई वही हम इसके अंदर सीएट का ओरिजिनल टायर डाल रहे हैं, 175/60R15 डाल रहे हैं, एक इंच हमने अपग्रेड करा है, बाकी 185 डालते तो 185 में थोड़ा टच होने का डर होता है अपना जो अंदर फेंडर लाइनिंग होती है उससे। ये देख लो भाई आपके साथ सामने न्यू व्हील्स का ओरिजिनल अलॉय व्हील्स है ये, ठीक है। और साथ के साथ भाई अलॉय व्हील्स पे आपकी ब्रांडिंग भी होती है और प्रॉपर बॉक्स वगैरह में आपका ऐसे ही पैक मिलेगा। और भाई ये चीज़ है ना, आप साथ के साथ कोई दिखाता नहीं, मैंने सोची कि भाई साथ के साथ आपको दिखाऊं कि अगर भाई किसी भाई को भी लगाने हो तो कैसे कुछ मिलेंगे, क्या कुछ आइडिया रहता है। तो यहाँ पर भाई साथ के साथ टायर वगैरह सब कुछ फिट हो रहा है, भाई गाड़ी में एक बार लग के ना इंस्टॉल होके दिखेंगे कैसे कुछ लगेंगे। बाकी भाई वीडियो में ना उतना जस्टिस नहीं हो पाता कि कितने मोटे लग रहे, इन रियल लाइफ में भाई बात करोगे तो वो थोड़ी भाई अलग ही उसकी लुक निकल के आती है। तो गाड़ी में लगने दो फिर देखना, बाकी इतनी कुछ चौड़ाई है तो ना जो जब अलॉय व्हील्स में हम टायर लगाते हैं तब थोड़ा टायर की जो चौड़ाई होती है वो थोड़ी मोटी हो जाती है। बाकी 175 का ऑप्शन यही था, हमने भाई अपनी वैगनर में भी लगाया था, उसमें 165 डाला था, तो इन फ्यूचर भाई उसमें भी अपग्रेड कर देंगे, 185 वगैरह डालेंगे या R15 वगैरह डालेंगे, तो वो भाई इन फ्यूचर जैसा भी होगा देखेंगे। गाड़ी में देख लो भाई साथ के साथ इंस्टॉल हो चुके हैं। इसमें भाई थोड़ा ना PCD का खेल है क्योंकि ना इसमें नट्स अलग आते हैं टाटा की गाड़ियों में, यही दिक्कत भाई सबसे बड़ी होती है जो कि टाटा की गाड़ियों में हमें फेस करने में होती है अलॉय व्हील्स का, तो इसमें भी भाई हुई। और भाई हमने थोड़ा पहले से भी सोच रखा था इसके अंदर ये वाले अलॉय व्हील्स डालेंगे क्योंकि भाई अच्छा खासा इनका रिस्पॉन्स है और भाई न्यू अपना ना डिज़ाइन भी है गाड़ी के ना बॉडी से, देखोगे कितने बाहर है तो भाई ये साथ के साथ देख लो, तो ज़्यादा बाहर भी नहीं लगाए क्योंकि भाई वो फिर ना गाड़ी पे कीचड़ फेंक के मारेंगे और खाम का फिर गाड़ी भाई कीचड़ में सनेगी तो वो बेकार चीज़ है। और लुक भाई आप बताना, और भाई साथ के साथ ना आपको मैं आपका धूप में भी दिखाऊंगा अपना दिन में और दो तीन दिन बाद कि कैसा कुछ इनका रिस्पॉन्स है, चलने वाइज पूरी परफॉर्मेंस बताऊँगा। प्राइसिंग वगैरह भाई बहुत लोग बोलते हैं कि भाई आप बताते नहीं, तो वीडियो में आगे बने रहो, प्राइसिंग वगैरह सारा कुछ डिस्कस करूँगा। ये भाई अपने देख रहे हो आप 14 इंची के अपने ऐसे कुछ व्हील कैप वाले टायर आते थे, ये हमने भाई एक्सचेंज में डाल दिए, ठीक है। और भाई पहले मैंने आपको दिखा दी थी कि अपनी जो जो वीडियो में अपना जो भी गाड़ी में अलॉय व्हील्स इंस्टॉल हो रहे थे चाहे जो कुछ, अब भाई फाइनल लुक की बात करें तो भाई अभी देख रहे हो दिन का टाइम है, और दिन के टाइम की बात की करूं भाई गाड़ी की आप लुक देख सकते हो भाई कितनी सही आ रही है, ठीक है। बहुत लोग बोलेंगे कि भाई ये अलॉय व्हील सूट नहीं कर रहे, चाहे भाई वैसे मतलब इस पे गाड़ी पे अच्छे लग रहे चाहे कलर पे, तो भाई वैसे इन मतलब रियल की बात करूँ ना भाई, कैमरे से हटा के आप बात करो तो भाई काफ़ी जच रहे हैं अलॉय गाड़ी पे। बाकी इसमें बहुत सारे हमारी ना जो बात करें हम कि क्यों ये अलॉय व्हील्स डाले, चाहे क्या कुछ हमें प्रॉब्लम आई, चाहे टियागो अगर भाई लेते हो, जैसे मैंने पहली वीडियो में बात करी थी कि अगर भाई जो टियागो वाला भाई है जिसकी भाई PCD थोड़ी अलग है ना, वो भाई समझ सकता है कि इसके अंदर भाई क्या क्या दिक्कतें आती हैं अलॉय व्हील्स इंस्टॉल कराते टाइम। सबसे भाई मेन बड़ी दिक्कत बताता हूँ, वैसे ही भाई वीडियो में आपने इंस्टॉल होते हुए सारे सीन देख लियोंगे। और भाई बात करें अब तो भाई, अब अगर आपको किसी को भी अलॉय व्हील्स लगवाने हैं तो भाई हमारा एक स्टोर आ रहा है
ठीक है, आप भाई उस पे आके अलॉय व्हील्स वगैरह लगा सकते हो। अभी भाई बहुत से काम है जो कि इसके अंदर पेंडिंग है, जैसे कि भाई अभी टेल लाइट वगैरह इसके अंदर स्मोक होनी है, स्पॉइलर आना है अभी, तो भाई प्रॉपर प्रोजेक्ट कार थे जैसे पहले बताया था। और भाई जैसा बोला था कि भाई गाड़ी में जो आप लुक की बात करोगे नो डाउट काफ़ी अच्छी आएगी इन फ्यूचर भी। और भाई इन फ्यूचर अगर रहा तो भाई इसे थोड़ा वाइट कलर में भी कर देंगे। मेन कलर भाई डार्क लेने का इस बार यही ही मतलब चॉइस थी कि भाई इस बार थोड़ी मॉडिफिकेशन वगैरह ना डार्क कलर पे करेंगे, चाहे अब भाई हम इस पे चाहें तो ब्लैक पीपीएफ वगैरह, चाहे मैट पीपीएफ वगैरह कुछ भी करा सकते हैं। अब भाई बात करें इस पे, तो भाई जैसा अपने चैनल पे आपने देखा हमारे ना हमेशा वीडियो में रहा है कि बजट में काम करते हैं, तो भाई वैसे ही बजट में इसके अंदर अलॉय व्हील्स लगाए हैं। मेन सबसे पहले अलॉय व्हील्स की बात करूं तो 15 इंची के हैं, सीएट के हमने टायर डाले हैं 175, जो कि भाई अपना इसके अंदर आता है पहले से 175 का टायर, ठीक है 175/60R14 आते हैं इसके अंदर। और अब हमने साइज टायर साइज की बात करोगे तो अब डाले हैं हमने 175/60R15 के सीएट के सिक्योरा ड्राइव भाई अपने हमने टायर डाले हैं, चारों के चारों नए डाले हैं। पहले का इसका एक टायर फट भी चुका था, ठीक है, जो कि भाई अपना ना साइड वॉल से फट गया था। और मेन बात ये भी थी कि भाई उसको चेंज भी कराना था साथ के साथ, क्योंकि भाई गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था, और एक्सीडेंट मतलब माइनर सा था, ज़्यादा कुछ आया नहीं, पीपीएफ ही अपना इसका वो आया था। और बात करें अलॉय व्हील्स की तो अलॉय व्हील्स देख लो आप भाई, नियो के ओरिजिनल अलॉय व्हील्स हैं ये। और भाई इसमें ना अब बात करें तो इसमें नट भाई अलग आते हैं टाटा टियागो में ना, तो हमारे पास भाई 4-5 ऑप्शन थे जो कि आपने वीडियो के स्टार्ट में देख लिया। अब भाई उनमें से सबसे अच्छा ऑप्शन यही था हमारे पास, क्योंकि भाई स्टार वगैरह वाले सब कॉमन हो गए। अब भाई थोड़ा ना लुक बात करें तो हटके ही दिखानी पड़ती है, और लुक की बात करोगे तो भाई गाड़ी की नो डाउट देख लो। बाकी भाई इसमें देख रहे हो आप टिंटेड विंडोज, तो वो भाई हम किसी को रिकमेंड नहीं करते, बाकी ये भाई हमने भी नहीं कराई है। एक्सरे शीट है ये अपनी, अगर भाई किसी भाई को एक्सरे शीट भी चाहिए ना अपनी गाड़ी के लिए तो भाई वो भी आके अपनी लेके जा सकता है। बाकी एक्सरे शीट पूरी लगा रखी है भाई, कहीं कहीं से आपको पता नहीं लगेगा कि एक्सरे शीट लग रही है चाहे क्या लग रही है, तो भाई ये बिल्कुल आप आके ना चाहे गाड़ी की एक्सरे शीट लेनी है चाहे वो। अब मेन बात करें भाई प्राइसिंग की, हमें क्या प्राइसिंग पड़ी, तो भाई हमने इसके जो पुराने वाले टायर थे उसको बेच दिए, ठीक है मतलब वापस दे दिए। इसकी बात करें अलॉय व्हील्स की, तो अलॉय व्हील देख रहे हो ना, तो हमने भाई जो अपने आपके टायर वगैरह हैं वो सब मिला के भाई अलॉय व्हील्स वगैरह सब कुछ मिला के इसका भाई 40,000 का सेटअप बना था ये, ठीक है। अब भाई बहुत लोग बोलेंगे 40,000 में भाई महंगा पड़ गया चाहे क्या पड़ा, तो भाई उसमें ये भी चीज़ बता दूँ कि हमने जो भाई अपने पुराने वाले टायर्स थे वो भी भाई रिप्लेस में डाल दिए थे, जिसमें से हमारा एक टायर ख़राब भी था, तो 3 टायर की वैल्यू लगी थी, और वही मान के चलो भाई, और वो हमारे भाई टायर कम से कम 7,500 किलोमीटर चल चुके थे, ठीक है, तो वो हमने टायर देके और ये वाले टायर लगवाए हैं, इसलिए थोड़ा महंगी भी पड़ी। बाकी अगर भाई स्टार्ट में ही ना हम अगर चाहते तो इसको ना मतलब अगर हम पहले देते तो वो सस्ते पड़ जाते थोड़े अलॉय व्हील्स, पर भाई हमारा कोई प्लान नहीं था इसमें। मेन बात थी कि भाई इसको थोड़ा वैसे ही टाइप कोऑपरेटिव टाइप गाड़ी को रखना था, पर भाई जब टायर फट गया तो हमने सोचा कि साथ के साथ टायर भी चेंज कराएं इसके और अलॉय व्हील्स भी चेंज कराएं भाई, तो लुक वगैरह तो आप देख ही रहे हो। बाकी भाई इन फ्यूचर इसे ब्लैक भी करेंगे, तो ब्लैक में भी आप देखना कैसी कुछ लुक आएगी। और भाई किसी भाई को अलॉय व्हील्स वगैरह लगवाने हैं तो वही बात है कि भाई अगर भाई आपको किसी को अलॉय व्हील्स लगवाने, सामने नंबर दे रहा हूँ, कॉल करके आप भाई पता कर सकते हो। बिल्कुल आप भाई आके हमारे स्टोर पे चाहे जैसे भी कांटेक्ट करो भाई, हम सीधा डीलर के थ्रू आपका अलॉय व्हील्स मंगा के लगवा देंगे। बाकी भाई हमने टायर वगैरह दे वे के सब कुछ अलाइनमेंट वगैरह इसके अंदर कराई, ठीक है, इसकी अलाइनमेंट वगैरह भी थोड़ी आउट हो रही थी, व्हील बैलेंसिंग कराए, ठीक है, अंदर के रिम देखोगे तो वो भी ब्लैक में पेंट कराए, और सब कुछ मिला के भाई 32,000 रुपये का खर्चा आया इसके अंदर भाई, क्योंकि 15 इंची टायर थे पहले इसके अंदर, 14 इंची आ रहे थे, टायर भी हमने चेंज करे और उसके बाद अपने अलॉय व्हील्स भी डाले। तो भाई अगर किसी को भी आके कराना है तो बिल्कुल आके आप तो देख ही लिया आपने। इससे पहले भाई आपने वीडियो भी देखी होगी अपनी सीट कवर वगैरह की, जो हमने इसमें सीट कवर वगैरह इंस्टॉल कराए थे, तो सीट कवर वगैरह भी भाई इसके अंदर साथ के साथ देख लो भाई, काफ़ी अच्छे और प्रीमियम सीट कवर है, ठीक है। और कुशनिंग वगैरह की बात करोगे तो वो भी काफ़ी अच्छी आ गई, तो भाई उसकी इन डिटेल वीडियो देखनी है तो आप भाई जाके देख सकते हो। एक्सरे किसी को लगवानी हो तो भाई उसकी वीडियो आप जाके चैनल पर देख सकते हो। मेन बात थी भाई इस गाड़ी पे मॉडिफिकेशन करनी थी, जो कि भाई आजकल ना टियागो काफ़ी ट्रेंड में है भाई, जिनके ना फैमिली बजट चाहे मीडियम बजट है उसमें भाई जो भी गाड़ी ले रहा है और किसी को भी मॉडिफाई करनी है बढ़िया, तो भाई बिल्कुल आप ऐसी करा सकते हो। और भाई हमारा स्टोर भी है, आप आके विजिट भी कर सकते हो, कोई सी मॉडिफिकेशन करानी है वो भी करा सकते हो, अलॉय व्हील से रिलेटेड, पीपीएफ से रिलेटेड, एक्सरे शीट, सीट कवर, सारा कुछ आप आके भाई काम करा सकते हो। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, वीडियो को भाई लाइक ज़रूर करना है, कमेंट करके ज़रूर बताना, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, और भी इस पर अपनी वीडियोज़ आती रहेंगी।